नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा की आज लास्ट तिथि है। ऐसे में जिस तरीके से नियोजित शिक्षकों के द्वारा कई सारी मांगे की जा रही है, इसको लेकर कोई भी स्पष्टीकरण सरकार के द्वारा नहीं दिया गया और अब जाकर नियोजित शिक्षक काफी परेशान है। ऐसे में हम नियोजित शिक्षक क्या करेंगे, लगातार कई सारा सवाल उठ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियोजित शिक्षक संघ के केशव कुमार है, जुड़ेंगे बात करें। केशव जी, क्या कीजिएगा, अंतिम तिथि है आज, 6 तारीख है आज, आज का लास्ट डेट है परीक्षा का। ऐसे में अब क्या करने जा रहे हैं आप लोग? अभिषेक जी, आज परीक्षा का अंतिम तिथि है और परीक्षा जब शुरुआत हो गया था तो हम लोग को विश्वास था कि अंत होगा ही। अब कल परसों में हम लोग समीक्षा करेंगे जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक कि कितने शिक्षक परीक्षा दिए हैं, कितने बाकी हैं, और जैसा सरकार कर रही है कि 15 तक रिजल्ट दे देंगे, पोस्टिंग करेंगे, उसको भी हम लोग देखते हैं कि कितना इस तरह रिजल्ट आता है, किस तरह पोस्टिंग करता है सरकार। अगर ऐच्छिक पोस्टिंग करता है, जो जिस विद्यालय में उसी में रहने देता है, ट्रांसफर ऐच्छिक करता है, तो वो हम दूसरे तरह से सोचेंगे। और सरकार अगर 3 जिला में इधर उधर फेंकता है, हम लोग को तबाह करता है, तो फिर हम लोग दूसरे तरह से सोचेंगे। और उसके अब सरकार के क्रिया के अनुरूप ही हमारी प्रतिक्रिया होगी। इसलिए अभी हम पहले सरकार की क्रिया को देख रहे हैं कि कैसे उसकी क्रिया होती है, फिर हमारी प्रतिक्रिया होगी। और कल परसों में यह भी पता चल जाएगा कि कुल कितना शिक्षक शामिल हुए परीक्षा में, तो उसको देखने के बाद हम लोग अगली रणनीति तय करेंगे। जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर हम लोग बैठक करेंगे। नीतीश कुमार तो विदेश जा रहे हैं, आप लोगों का फैसला कौन लेगा, आप लोगों के हित में फैसला कौन लेगा? बिहार का मुखिया ही नहीं रहेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री बिहार में नहीं रहेंगे, तो आप लोगों को लेकर कौन फैसला लेगा केशव जी? देखिए, मुख्यमंत्री का जो विगत कुछ दिनों से कार्य चल रहा है, मैं बार बार हर बार कह रहा हूँ कि कार्यपालिका और विधायिका का जो स्थिति है, कोई बोल्ड डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं है। भेल तैयो भला, न भेल तैयो भला, तो उनके विदेश जाने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर वो चाहते तो आज ही डिसीजन लेकर चले जाते, वो चाहते तो विदेश में है तो भी डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि पद कभी खाली नहीं रहता है। लेकिन सबसे पहले मन बनाना पड़ता है, तो ऐसा लग रहा है कि विधायिका का मन नहीं है, सिर्फ ठगने वाली बात है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी जो सत्ता पक्ष, गठबंधन और विपक्ष और कार्यपालिका, तीनों का महागठबंधन है, तीनों आपस में एक दूसरे से लड़ के झगड़ के और जो काम की बात है उस पर लोगों का ध्यान नहीं जाने दे रहे हैं। एक दिन ढंग से विधानसभा नहीं चला, न विधान परिषद चला, सिर्फ 10 से 4, 9 से 5 में उलझ के रह गए। आखिर ये करोड़ों अरबों रुपया जो जनता की गाड़ी कमाई खर्च हुई है, इसके जिम्मेवार कौन है? क्या हुआ? कुछ नहीं। और इसके लिए विपक्ष भी नहीं बोल रहा है, पक्ष भी नहीं बोल रहा है, बस आपस में थोड़ा सा लड़ ले रहा है, बात खत्म हो जा रही है। तो यह सबकी मिली भगत है। जब तक उनका मन नहीं होगा बिहार में शिक्षा का विकास करने का, शिक्षक को मान सम्मान देने का, तब तक यह संभव नहीं है। और जब तक शिक्षकों को मान सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक शिक्षा का विकास संभव ही नहीं है। और सरकार यह नहीं चाह रही है कि बिहार में शिक्षा का विकास हो। यानी कि बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, आपने बताया 3 दिन बाद, यानी कि परसों तक हो सके तो बैठक करेंगे आप लोग, तो क्या बड़ा आंदोलन करिएगा? देखिए, हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे, लेकिन पहले सरकार की क्रिया देख लेते हैं और विपक्ष की भी क्रिया देख रहे हैं। जो सत्ता विपक्ष में जा रहा है वो हमारा हितैषी हो जा रहा है, और जो पक्ष में रह रहा है वो हमको भूलिए जा रहा है। एक लाइन शिक्षक के मुद्दा पर न तो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, न माननीय दोनों उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं जो 13 जुलाई को हमारे लिए लाठी खाए थे पटना की धरती पर, न अब नेता विरोधी दल बोल रहा है। इतना बड़ा हुआ है, सिर्फ बहाली 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 अपना लोग ढोल पीट रहे हैं, लेकिन जो पूर्व से बहाल शिक्षक है जी, उनकी क्या दुर्दशा है, उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। तो इसलिए हम क्रिया देख रहे हैं, और क्रिया के विपरीत और बराबर नहीं बल्कि उनसे बहुत बड़ा प्रतिक्रिया हम लोग देंगे, और निश्चित रूप से जल्द देंगे। किस तरीके का प्रतिक्रिया देने वाले हैं केशव जी? आंदोलन हमारा हथियार ही है प्रजातंत्र में, शांतिपूर्वक प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन, हम कोनो मार धार तो करेंगे नहीं। और दूसरा, अभी हमारा 13 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई है, 6 तारीख को हमारा सुनवाई हुआ था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 13 तारीख का समय निर्धारित किया गया था। तो 13 तारीख को हमारा हाईकोर्ट में भी सुनवाई है, उसमें भी हम मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे, और उम्मीद है कि हमको न्यायालय से निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। तो हम दोनों जगह लड़ रहे हैं, रोड पर भी लड़ रहे हैं, कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, और
बहुत जल्द 24 और 25 में हम वोट में भी लड़ेंगे, हम वोट में भी उनका जवाब देने का काम करेंगे, हमारी तैयारी मुकम्मल चल रही है। देखिए जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, कोर्ट में भी लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आने वाले समय में जवाब देंगे तमाम नियोजित शिक्षक। केशव कुमार ने यह साफ कह दिया है कि सरकार को सुनना होगा, नीतीश कुमार विदेश जाए चाहे कहीं भी जाए, ऐसे में शिक्षकों के हित में 2 से 3 दिन के अंदर फैसला लेना चाहिए। अगर नहीं सरकार लेती है फैसला तो बड़ा आंदोलन होगा और वो आंदोलन देखने लायक होगा। ऐसे में केशव कुमार ने नसीहत दे डाली है, तो वहीं क्या कुछ कहते शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष केशव कुमार, आपने सुना है केशव ने यह साफ कहा है कि नियोजित शिक्षकों के हित में सरकार काम नहीं कर रही। यहाँ तक विपक्ष वाले लोग भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन लोगों की बातें नहीं कर रहे, ऐसे में ना इंसाफी इन लोगों के साथ हो रही है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ सरकार इन नियोजित शिक्षकों को लेकर निर्णय लेती है। आज अंतिम तिथि है परीक्षा की, कोर्ट में चैलेंज भी है मामला, कोर्ट का क्या फैसला होगा यह देखने वाली बात होगी। और भी तमाम खबरों के लिए NBC24 के साथ बने रहें। इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।